आशी और स्कूल चले गए हैं, ये उनका ड्रेस वगैरह है। आज आशी का दूसरा, हाँ आज आशी की दूसरी ड्रेस थी स्पोर्ट्स की, तो वो पहन के गई है, वो मैंने ये निकाल दी थी। कैंडी यहाँ घूम रहा है क्योंकि बाहर आपने देखा इतनी तेज़ बारिश हो रही है, और मम्मी इधर ही हैं। अभी जस्ट हमने चाय पी है, हाँ तो बस वही, अब तो चाय खैर पी ली है। हेलो, गुड मॉर्निंग सबको, आप लोग कैसे हो? मम्मी ठीक है, बाहर बारिश आ रही है, बहुत हाँ हो रही है इतनी बरसात, सबको सर्दी जुकाम लगा हुआ है, वही तो मौसम ऐसा है ना, हाँ मौसम की वजह से थोड़ा सा हो रहा है। कल घर में कोई था नहाने लग गए बारिश में, हाँ देख रहे ऐसे हैं बच्चे, वही तो हाँ। और बाहर आप देख रहे हो रात को भी इतनी बारिश थी, अभी मॉर्निंग में इतनी बारिश लग गई है, हाँ सीधे स्कूल टाइम पे। तो बस अभी चाय वगैरह पी हमने, और अभी पूरा ये ठीक ठाक करेंगे, झाड़ू झूड़ू लगेगा क्योंकि अभी जस्ट बच्चे अभी गए हैं 15-20 मिनट पहले ही। यहाँ पे देखो आप कितनी तेज़ बारिश हो गई है, और ज़्यादा बढ़ गई है बारिश, इतना ज़्यादा पूरा क्यारी हमारी देख रहे हो आप, पूरा का पूरा नदी बन गई है, इतनी तेज़ बारिश हो रही है। पता नहीं ये बारिश को क्या हो गया है, ये देखो बहुत तेज है। और अपने हस्बैंड जा रखे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए, तो आने वाले होंगे वो भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो व्लॉग आप देख रहे हो ना, ये इवनिंग हो चुका है, मॉर्निंग में आपको मैंने बारिश दिखाई थी, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है हमारे इधर, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब जो हमारा किचन गार्डन है वो बिल्कुल ऐसे तालाब की तरह हो गया था। तो सुबह के बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं करा, और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट मैं आपको शाम को मिल रही हूँ। तो जब भी शाम को मैं आपको मिलती हूँ तो चाय बनाते हुए ही मिलती हूँ, क्योंकि मेरी जो शाम की जो शुरुआत है, मेरी हो या किसी की भी हो, शाम की शुरुआत वो चाय के साथ ही होती है, जो लोग चाय पीते हैं ना। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, तो चाय मैंने चढ़ा दी है, और एक साइड में जो बर्तन हैं दिन के उन सभी को मैं अरेंज करके रख रही हूँ। और ये सब तो आपको पता ही चल गया होगा कि जब भी मैं चाय चढ़ाती हूँ उसके तुरंत बाद मैं, जब तक वो बॉयल हो रही होती तब तक मैं बर्तन वगैरह अरेंज करके रख देती हूँ, ये दिन के बर्तन हैं। तो बस यहाँ पे चाय बन गई है, चाय पियेंगे, उसके बाद मैं आशी को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। तो अभी थोड़ा सा मैंने रूटीन एक सेट करा है कि 5 से 6, मतलब ऐसे एग्जैक्ट बिल्कुल 5 बजे नहीं, 5:15 भी हो जाते हैं कभी कभी, तो मेरा रहता है कि उसको 1 घंटा मैं पढ़ाऊँ। तो बस अभी मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ, तो आशी को भी मैंने चाय दी, थोड़ा सा वो चाय मांग रही थी। वैसे तो चाय बच्चों को वैसे देनी नहीं चाहिए, मेरे हस्बैंड भी जितनी बार देखते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं, तो उनके सामने मैं कम ही देती हूँ, लेकिन वो मना करते हैं चाय देने के लिए। लेकिन आशी का क्या है, थोड़ा सा मैं सोचती हूँ चलो शाम के टाइम उसे दे दूँ हल्का सा चाय, बहुत ज़्यादा ऐसे भर के, जब आप कप देख रहे हो ना इतना नहीं देती हूँ मैं, हाफ से भी थोड़ा सा कम देती हूँ, तो कभी कभी ऐसे रोज़ तो नहीं देती हूँ, क्योंकि उतना तो खैर मुझे ही पता है कि बच्चों को चाय नहीं देनी चाहिए, रोज़ नहीं बहुत कम, हफ्ते में कभी एक बार दे दिया तो दे देती हूँ मैं, अदरवाइज़ फिर दूध वगैरह तो वो रात को लेते ही हैं अपना। तो बस यहाँ पर वो अभी ना अपनी कोई चीज़ के लिए ज़िद कर रही है, मुझे बात याद नहीं आ रही है, उसको कुछ चाहिए तो उसके लिए जिद कर रही है, बस बातें बुते हम लोग कर रहे हैं, और बस उसके बाद उसको पढ़ाऊंगी मैं। एवरीवन गुड इवनिंग, तो अभी शाम के 5:45 बज रहे हैं, और आज है मंडे, और कल मम्मी के घर गई थी मैं, फिर आज सुबह मैंने थोड़ा सा ब्लॉग बनाया था जब आशी और तिया स्कूल चले गए थे, यहाँ पर इतनी ज़ोरों की बारिश आई है, उसके बाद फिर बहुत तेज़ बारिश आई थी, और उसके बाद मैंने फिर कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, मैं अपने ब्लॉग की एडिटिंग भी कर रही थी, और साथ में आज मेरा मॉर्निंग से मन नहीं करा फिर उसके आगे ब्लॉग बनाने का, तो फिर कोई भी ब्लॉगिंग नहीं करी है। तो बस अभी शाम से थोड़ा मन करा तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। चाय अभी आपने देखी, चाय पी ली है हमने, और अदरक वाली चाय नहीं बनाई है आज मैंने, सिंपल चाय बनाई है, क्योंकि मम्मी जिन डॉक्टर को दिखाकर आए हैं ना, तो मम्मी का कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बंद करी हुई है, मतलब अभी उस चीज़ का परहेज करना है, तो जैसे उसमें अदरक भी शामिल है, तो इस वजह से अदरक मैंने आज डाली नहीं है। और अभी आशी जो है अपना पढ़ाई कर रही है, मैंने उसको थोड़ा पढ़ा दिया है, साइंस पढ़ाई है, तो उसका मैंने उसको दे दिया है नोट्स बना के, तो वो लर्न कर रही है, क्योंकि 7 बजे फिर ट्यूशन चल जाएगी अपने, तो थोड़ा सा ना टाइम मैनेज करना पड़ रहा है, क्योंकि 7 बजे से ट्यूशन है इसका, तो फिर इतना टाइम ये खाली बैठी रहती है, तो इसका फिर
क्या होता है स्कूल का भी होमवर्क रहता है, लेकिन मुझे रहता है कि होमवर्क तो ये बीच बीच में कर ही लेगी, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्यूशन मैंने सिर्फ दो चीज़ों का लगाया, बाकी तो फिर अपने आप ही देखना पड़ता है ना। तो अभी साइंस का मैंने लिया है एक दो दिन से, 3 दिन से आई थिंक मैं से साइंस पढ़ा रही हूँ। कल से फिर ये बोल रही मम्मी सोशल साइंस पढ़ाना, तो कल से देखूंगी सोशल साइंस, क्योंकि एक चैप्टर में सोच रही हूँ इसका खत्म हो जाए तो फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट में आऊँ, तो अभी वही लर्न करने दिया है। और इसी अभी अपना ड्राइंग वगैरह कर रही है, उसका होमवर्क जो पेंडिंग था स्कूल का वो कर रही है, क्योंकि इसकी ड्राइंग फाइल खत्म हो गई थी, तो वो अभी जो उसका रह गया था ड्राइंग वो बना रही है, फिर होमवर्क भी करेगी वो। और मम्मी शायद वॉक पे गई है, मैंने देखा भी नहीं बाहर जाके, मैं इसको पढ़ाने लगी थी। अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा देखती हूँ डिनर में आज क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, इस वजह से तो बस आशी यहाँ पे पढ़ रही है, तो उसको ना फिर डिस्टर्ब होगा क्या, आशी पढ़ रही है फिर मैं वहाँ पर ज़्यादा बात करूँगी ना उसको डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये जो आप देख रहे हो मेरी टावल है यहाँ पे हैंग करा हुआ है, एक्चुअली बारिश थी ना तो फिर बाहर रख नहीं सकते थे, इसलिए यहाँ पे मम्मी कर देती हैं ताकि हवा में सूख जाए, क्योंकि फैन ऑन रहता है इसलिए। और सिया यहाँ पर अपना ड्राइंग कर रही है, अपना पढ़ाई ही कर रही है वो भी यहाँ पर तो वो अपना काम कर रही है। मैंने ना यहाँ पे लौकी निकाल के रखी थी, दिन में मैं सोची थी मैंने सांभर बनाऊँ, फिर पता नहीं क्यों आज मेरा मन नहीं हुआ, मैं लौकी बाहर ही रह गई है, तो सांभर सूंभर कुछ, एक तो सांभर मसाला था नहीं और ऊपर से मेरे फिर मन भी नहीं करा। तो मैं अभी दिन की दाल बची हुई है तो मैं सोच रही हूँ करेले बना दूँ, मैं हमारे घर के ही जो करेले है ना वो बना दूँ। और एक मम्मी और तोड़ के लाई थी, ये छोटू सा करेला देखो तो ये है, तो मैं सोच रही हूँ इसको मिक्स करके ना हम बना ही देते हैं, है ड्राइंग करो तो जाओ। तो यहाँ पे कैंडी को छत में लेकर आई हूँ मैं, छत में आने के लिए ये इतना चिल्ला रहा था, तो शाम को छत में आने का वो टाइम होता ना इसलिए खूब चिल्ला रहा था, खूब चिल्ला रहा था है? ये देखो। और यहाँ पर मैं झंडा जो ये इस फ्लैग है ना ये भी उतार रही हूँ, क्योंकि पापा बोल रहे हैं सबने हटा दिए ये वाला फ्लैग, तो ये फ्लैग है सबने मतलब संभाल के रख दिए हैं इसको ना, तो फिर मैं इसको रख रही हूँ क्योंकि फिर शायद ये ख़राब हो जाता है ना, इसलिए तो संभाल के रखना होता है। तो इसको फोल्ड करके, हमारे घर में दो फ्लैग थे तो इसको फोल्ड करके रख रही हूँ मैं। और कैंडी यहाँ पर अभी खेलेगा अपना 7, 7:30, 8 बजे तक। और यहाँ पर देखो मम्मी ने एक नई चीज़ करी है, मम्मी की ये आप कलाकारी बोल सकते हो, ये ना हमारी उसकी बेल जा रही है करेले की बेल ना यहाँ पे पूरी नीचे तक लटक रही थी, तो मम्मी ने इसको सपोर्ट दिया इसका पाइप का, और यहाँ पर मम्मी ने इसको बांध दिया है ऐसे करके। तो मम्मी बोल रही इस तरह से करेलों में हवा लगेगी तो फिर ख़राब नहीं होंगे, अच्छे से लगेंगे, क्योंकि ख़राब हो रहे हैं करेले ना, हवा नहीं लग रही है इसलिए। तो ये छोटे छोटे करेले आप देख रहे हो इस तरह से लग रहे हैं, तो इसको हवा लगेगी ना तो ये अच्छे से रहेंगे फिर, नहीं तो ये ख़राब हो जा रहे थे। तो ये मम्मी ने करा है, अब जब करेले लगेंगे ना इसमें अच्छे अच्छे यहाँ पर लटके रहेंगे करेले, तब मैं आपको दिखाऊँगी। और ये चकोतरे का पेड़ के ऊपर से चल के आ रखे हैं, अच्छा लग रहा है देखने में ना ये देखो। तो चलिए नीचे चलती हूँ मैं, बस को छोड़ने आई थी। और ये देखो खेल नहीं रही है, यहाँ बैठ गई है, यहाँ पे बैठ गई है, यहाँ पे बैठ गया। कैंदू कैंजू बाय, मैं जा रही हूँ बाय पानी। तो बस कैंडी को छत में छोड़कर आ गई हूँ मैं, और जो फ्लैग था वो भी मैंने हटा दिया, उसको फोल्ड करके अच्छे से रख दिया है मैंने। और एक चीज़ मैं बता दूँ, मुझे अभी जब एडिटिंग करते हुए मुझे वो चीज़ याद आई है कि मुझे कमेंट आया था कि आप कैंडी को कभी बोलते हो कि खा रहा है, या कभी बोलते हो कि सो रहा है या सो रही है, तो समझ नहीं आता है कैंडी फीमेल है कि मेल है। तो एक्चुअली कैंडी जो है वो फीमेल है, तो कभी कभी क्या होता है फीमेल वाली मेरे से अब वो निकल जाता है बोलने में, कभी ऐसे निकल जाता है, तो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ कि मैं उसको किस तरह से बोल रही हूँ कि कैंडी इधर आ जा, या फिर मतलब किस तरह से उसको प्रोनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि वो मैं उसे प्यार प्यार में बोलती हूँ, तो कभी ऐसे बोल देती हूँ जैसे वो मेल है, या कभी कभी ऐसे बोलती हूँ फीमेल है, जैसा हमारा मन करे। तो कैंडी को हम लोग बस जैसा मन चाहे वैसे बोल देते हैं, तो कैंडी जो है वो फीमेल है। तो बस मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि मुझे कॉमेंट आया था उस दिन, मैं शायद रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ इसलिए। और यहाँ पर अभी मैं करेले जो है वो कट कर रही हूँ, ये वाले करेले, और ये इतने सॉफ्ट थे मैं आपको बताऊँ, मतलब काटने में भी इसे अलग ही मज़ा आ रहा था, और मज़ा इसलिए भी ज़्यादा आ रहा था ना क्योंकि हमारे घर के हैं ये, बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इस वजह से इन्हें काटने में तो मज़ा ही कुछ और आ रहा था। तो बस सब्जी काटूंगी, इसके ऐसे चढ़ाऊंगी मैं।
तो बस मैंने आपको दिखा दी है प्लेट सजीवी, एक साइड मैंने प्याज और आलू कर दिए हैं, एक साइड मैंने करेले कर दिए हैं, और ये बहुत ज़्यादा सब्जी बन गई थी। मतलब यहाँ तक कि हमने नाश्ते में भी यही खाई, तो मुझे ऐसे लग रहा था पहले कहीं करेले कम ना हो जाएं, लेकिन बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा करेले बन गए थे। तो यहाँ पर बस अब मैं जो है उसे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इसके लिए ना मैं जो आम का अचार है ना हमारे पास, उसका ऑयल यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो करेले होते हैं ना उसको जैसे आम के अचार के तेल में बनाओ ना, या कोई से भी अचार के तेल में बनाओ तो बहुत टेस्ट लगते हैं। एक तो उसकी खुशबू कुछ अलग ही आती है, क्योंकि उसमें अचार वाले मसाले होते हैं ना इसलिए, और हल्का सा खटासपन भी होता है। तो इसलिए मुझे लगा कि चलो मैं इसको सरसों के तेल में बनाती हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इससे। तो बस मैंने इसमें कुछ भी ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करा है, सिर्फ हींग, जीरा और जख्या ऐड करा है। इसमें इस टाइम पे सौंफ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो खुशबू आ रही थी तेल में से, इस वजह से। तो बस प्याज को मैं ज़्यादा भूनूंगी नहीं, आलू को तो मैं बिल्कुल भी ज़्यादा भूनूंगी नहीं, क्योंकि तो इतनी जल्दी हलवा बन जाते हैं, क्या बताऊँ आपको। तो बस इनको फटाफट से, बस 1-1 मिनट से भी कम टाइम मैंने इनको भुना है। उसके बाद इसमें टमाटर, मैंने एक बड़ा टमाटर ऐड कर दिया है, कभी मैं करती हूँ कभी नहीं करती हूँ। और उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर दिए, जो हमारे बेसिक मसाले हैं। इसको बस करेले को ऊपर से मैंने एक लेयर दे दी है, नमक डाल दूंगी और स्टीम करके इसे बनाऊंगी। बहुत जल्दी बनते हैं और अच्छे भी बनते हैं ये। आशी चली गई अभी ट्यूशन, टाइम 7 बज गए, ठीक अभी अभी गई है वो, जस्ट अभी निकली है, वहाँ पे मैंने उसको बिठा दिया है। और अभी ये ड्राइंग रूम वगैरह थोड़ा सा ठीक करा, ऐसे बस कुशन इधर उधर हो रखे थे तो ये ठीक करा है, सब्जी मैंने चढ़ा दी है। और आशी को थोड़ा सा पढ़ाया था, मैंने उसको बोला भी छत में चलना है तो चल ले, वो मना कर रही थी मुझे नहीं जाना छत में। एक्चुअली छत में ना मच्छर भी बहुत हो रहे हैं और इन दोनों को मच्छर बहुत काटते हैं, मुझे भी मच्छर बहुत काटते हैं, तो वो छत में गई नहीं। तो फिर थोड़ा सा उसको पढ़ाया, मतलब 3 क्वेश्चन आंसर उसने लर्न करे हैं लिख कर। अभी वो ट्यूशन चले गई है और यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है करेले की। और इस तरह से ना मम्मी बनाती है, मतलब मम्मी एकदम से चलाती नहीं है, ऐसे ढक देती हैं, तो क्या होता है कि इससे ना वो भाप में अच्छे से स्टीम हो जाता है। ज़रूरी नहीं करेले, कोई दूसरी सब्जी भी हो तो वो भी अच्छे से स्टीम हो जाता है। तो मम्मी इस तरह से बनाती थी, मैं वैसे ही कर रही हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। तो अपने घर के करेले है ना तो और अच्छा लग रहा है बनाने में, इतने सॉफ्ट हो रहे हैं। मैंने आज आपने देखा, मैंने जो जिससे ग्रेट करते हैं ना, ग्रेट करते हैं जैसे सैलड वगैरह काटते हैं, जिससे मैं हमेशा उसी से काटती थी करेले वगैरह जैसे मार्केट के होते थे, लेकिन इस बार मैंने क्या करा, मैंने हाथ से काटे, इतने ज़्यादा से सॉफ्ट थे, इतने फ्रेश है ना, आराम से 2 मिनट के अंदर ही सारे करेले कट गए और एक टाइम की सब्जी हमारी निकल गई है। करेले काफ़ी लग रहे हैं, काफ़ी करेले लग रहे हैं, लेकिन जहाँ पे उसकी बेल जा रही है ना आंवले के ऊपर, वहाँ पे उसको ना हवा नहीं मिल रही, तो वो ख़राब हो जा रहे हैं, ख़राब हो जा रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो हमारे बहुत करेले लग जाते हैं, इसलिए मम्मी ने छत में उसकी बेल खींच दी है। तो देखते हैं वहाँ पे लगते हैं कि लगते हैं, लग जाएंगे तो अच्छी बात है, तब मैं आपको दिखाऊंगी जब करेले लटकेंगे वहाँ पे। छोटे छोटे से लग रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है अपने घर की कुछ सब्जी हो। करेले इसलिए बच गए क्योंकि बंदर नहीं खाते, अदरवाइज तो कुछ हो ही नहीं सकता, बंदर बहुत है यहाँ पे इसलिए। तो बस अब मैं आटा गूंदूंगी, सिया अभी अपना होमवर्क कर ही रही है और मम्मी अब आने वाली होंगी वॉक पे, मम्मी गई हुई, फिर मम्मी पूजा वगैरह मम्मी का होता है, मम्मी वो करेंगी और फिर बस डिनर। तो बस मैंने यहाँ सब्जी जो है वो चढ़ा दी है, आटा मैं गूंदने जा रही थी लेकिन मम्मी ना तब तक आ गई थी, तो मम्मी ने कहा मैं गूंद देती हूँ आटा। तो आटा जो है मम्मी ने गूंद दिया था और यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट, मतलब अपना बेड जो है वो ठीक कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी आशी पड़ रही थी, फिर कपड़े का वगैरह भी चेंज करके गई, वो तो यहीं रख कर चले गई है। और वैसे भी ये वाली चादर जो है वो ना गंदी हो चुकी है, तो ये वाली बेडशीट मुझे चेंज करनी है। अभी तो नहीं करूँगी, कल करूँगी ये वाली बेडशीट। आई थिंक इसको हो गया 1 हफ्ता बिछाए हुए और फिर ये बहुत जल्दी गंदी हो भी जाती है, तो बस अभी झाड़ रही हूँ मैं। और दिन भर से पता नहीं कितनी बार हम लोग बेडशीट को झाड़ते हैं, साफ़ करते हैं। अभी ये तो झाड़ी है ना, लेकिन फिर सोने से पहले एक बार दोबारा से इसको झाड़ना पड़ता है। और बस यही सब चल रहा है। इसके बाद मैं जाऊँगी, थोड़ा सा देखूँगी सी अभी अभी होमवर्क कर रही है, मुझे बार बार आवाज़ें दे रही थी मम्मी इधर आओ, ये देखो वो देखो। आपके बच्चे इस तरीके से करते हैं कि नहीं करते हैं, आप मुझे ज़रूर से कॉमेंट करके बताना कि जब आप दोनों बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो आपके बच्चे इधर से उधर से आवाज़ें मार मार के आपको बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, और आप इरीटेट होते हो कि नहीं होते हो, क्योंकि
क्योंकि मैं हो जाती हूँ सच्ची में बहुत ज़्यादा, मम्मी इधर आ जाओ, मम्मी यहाँ आना, तो ऐसे कर करके मुझे कितना इधर से उधर कराते थे, मैं आपको क्या बताऊँ। तो आप लोग ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपके बच्चे से करते हैं कि नहीं। यहाँ पर करेले की सब्ज़ी बनने वाली है और मैं अपने वीडियो का भी यहीं पर एंड कर रही हूँ, छोटा सा वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नए ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।